हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इस टॉपिक एक वीडियो बनाया जाए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमारा वेट स्टक हो जाता है और उस स्टक वेट को हम कैसे लॉस कर सकते हैं। ओके, सो कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं और हमारा वेट लॉस जो रिजल्ट है वो एक मतलब आता है 10 to 15 days के लिए, उसके बाद फिर एकदम पे वेट जो है हमारा स्टक हो जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ, और ऐसा हुआ था कि 10 days में मेरा 2.5 to 2.7 kg लॉस हो गया और उसके बाद स्टक हो गया। बट इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं, तो सबसे पहले हमें इसके रीजन्स पता होना चाहिए कि जो वेट लॉस हो गया है वो किस वजह से हुआ है और उस वेट को हम कैसे दोबारा से अपनी जर्नी को फिर से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने वेट लॉस को हम कैसे अगेन स्टार्ट कर सकते हैं, जो स्टक हो गया उसको हम कैसे हिला सकते हैं कि हमारा वेट लॉस जो वो अगेन से स्टार्ट हो जाए। ओके, सो आज का वीडियो इस टॉपिक पे रहेगा। तो मेन कॉसेस क्या होते हैं, किस वजह से आपका वेट जो है वो स्टक हो गया है, वेट प्लेट्यू हो गया है, उसका रीज़न क्या क्या है, उसके कॉसेस क्या क्या है। सबसे पहला ये है कि डाइट, डाइट जो होती है उसका 70% रोल होता है, 30% वर्कआउट का। सो आके हम इन सब चीज़ों को एकदम क्लियर में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसके रीज़न है, उसको कैसे कैसे आप ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़, कई बार हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है। सो उसके बाद है, कई बार हमारी ऐसी होती है कि जैसे बॉडी में हमारे वर्कआउट हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं उसके वजह से भी, या फिर हम वर्कआउट करते भी नहीं हैं, अंडर वर्कआउट कर लेते हैं, या फिर हम वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करते उसकी वजह से भी हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है। कई बार हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उसकी वजह से हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है, वेट बिल्कुल भी हिलता नहीं है, वेट स्केल पर बिल्कुल भी नहीं दिखता है कि हमारा वेट लॉस हो रहा है। या हम इम्प्रॉपर स्लीप, मीन्स हमारी नींद पूरी नहीं है, उसकी वजह से भी वेट जो है वो स्टक हो जाएगा। एक्सेसिव स्ट्रेस ले रहे हो आप, एक्सेस में आपकी स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन हाई हो जाता है, सो उसकी वजह से भी हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है। पहले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अगेन आगे जाके मैं एक एक पॉइंट को आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। बिकॉज 10 days में जब मैंने 2.5 kg लॉस किया, आज मेरी जर्नी का डे 17 है, तब मेरा वेट जाके स्टक हो गया। तो इन सब रीजंस को मैंने देखा और उसके बाद कैसे आप लोग कर सकते हो, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। कई बार हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, उसकी वजह से भी हमारा वेट स्टक हो जाता है। वाटर रिटेंशन, बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन, मीन्स बॉडी में फूल जाना, जैसे हम कई बार होता है ना सुबह उठते हैं तो हमारा फेस पे स्वेलिंग होती है, फिंगर्स पे स्वेलिंग होती है, तो हमें वाटर रिटेंशन हुआ होता है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो अब मैं आपको आगे बताऊंगी। कई बार हमारे ये चीज़ को समझना भी ज़रूरी है, कई बार मसल लॉस ना हो आपका, फैट लॉस कई बार हमारा अच्छे से हो रहा होता है, कई बार हमारे मसल गेन हो रहे होते हैं, और कई बार हमारे हॉर्मोन्स का भी इश्यूज होते हैं। सो 10 points है ये जिसकी वजह से आपका वेट स्टक हो जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट को हम अभी एक एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कई बार हमारे डाइट में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही होती है, कई बार हम लोग ऐसा होता है, फर्स्ट पॉइंट था डाइट मिस्टेक्स। सो डाइट हम लोग हेल्दी खा रहे होते हैं बट फिर भी वेट जो है वो एक जगह पे रहता है। उसका रीज़न ये है कि या तो आप कैलोरीज बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट कर रहे हो, फैट डाइट्स कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस जो है वो नहीं हो रहा है, वो रुक गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम हेल्दी फूड खा रहे हैं बट वो ओवर ईटिंग हो जाता है, एक्सेस में हम लोग खा रहे होते हैं, उसकी वजह से भी वेट स्टक हो जाएगा। कॉन्स्टेंट ग्रीजिंग, मीन्स जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि हम लोग हमें हमारे हॉर्मोन्स जो बैलेंस में नहीं होते, हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगती रहती है कई बार, तो वो चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर उस साइड अगर आप उस अपनी बॉडी को कुछ देते नहीं हो तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। आप गुड, कई बार ऐसे होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग घी तेल ही खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी को गुड फैट्स जो हेल्दी फैट्स है वो नहीं मिल पाती, सो इसकी वजह से भी वेट जो है वो आपका स्टेग्नेंट हो जाएगा। कई बार ऐसे भी होता है कि हमारी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, हम लोग कार्ब्स 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 बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, फैट्स होते नहीं है, प्रोटीन भी नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी हमारा वेट जो है वो स्लो हो जाएगा। हम लोग बहुत ज्यादा चीट मील कर लेते हैं कि चलो अब तो 3 kg लॉस हो गया, एक चीट मील तो बनता है, उसकी वजह से भी आपका वेट जो है वो स्टक हो जाएगा। एक्सेसिव हम लोग कई बार अपनी चाय कॉफ़ी बहुत एक्सेस में लेते हैं, सॉल्ट ले रहे होते हैं एक्सेस में, शुगर इंटेक ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी वेट जो है वो स्लो हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि फूड अच्छा है, हेल्दी है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके डाइट फूड लिखा होता है, बट वो सारी चीज़ें हमें पता नहीं होता, हम डाइट फूड पढ़ के उसको ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है। सो आप बेसिकली आपको किस पे फोकस करना है, आपका फोकस होना
चाहिए न्यूट्रिशन, वो चीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करो जिससे आपको न्यूट्रिशन मिल सके। जैसे कि आपको पता हो कि आपकी डाइट में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा, बिस्किट से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बिस्किट में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, उसमें जीरो है और कैलोरीज ही कैलोरीज है उसमें। सो हम लोग कई बार क्या करते हैं उसमें, हम लोग बिस्किट इंक्लूड कर देते हैं, नमकीन इंक्लूड कर देते हैं, चाहे पीनट्स ले सकते हो, चना ले सकते हो, उसमें फिर भी कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू है, पर बाकी चीज़ों में नहीं होती है। ठीक है, बिस्किट नमकीन जो एक्स्ट्रा से मार्केट में आते हैं डाइट फूड के नाम पे, तो वो चीज़ें आपको नुकसान करनी है। तो आपको बेसिकली समझना क्या है, उन चीज़ों को इंक्लूड करना है जिसमें कैलोरीज भी कम हो और जिसमें आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो, तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा। अपनी पोषण को कंट्रोल करना है, जैसे कि मैं हर किसी को बोलती हूँ कि पोषण साइज कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सा टेक्निक है जो मैंने एक वीडियो पर बनाया भी था, प्रोटीन कैसे ले सकते हो, कार्ब्स कैसे ले सकते हो, तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपने गैप को आपको मेंटेन रखना है कि आपने ब्रेकफास्ट अगर 9 o'clock किया है तो 11:30 to 12 o'clock अपना स्नैक ले लो, इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रहेगा। और उसके 2 से 3 घंटे के बाद आपका लंच आ जाता है, फिर उसके बाद आपका स्नैक, तो आपने इंटरवल जो बीच में आते हैं ना ब्रेक, उसको भी मेंटेन रखना है। नेक्स्ट चीज़ कि अपनी रूटीन में आपकी फैट, आपकी प्रोटीन, आपकी कार्ब्स अच्छे से डिवाइड होनी चाहिए। अगर उसका पोर्शन आप लोग डिवाइड करके नहीं लेते हो तो तब भी आपका वेट थोड़ी देर के लिए लॉस होगा, बट उसके बाद जाके आप स्टक हो जाएगा, उसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप कोई भी चीट मील ले रही हो या चीट डे कर रहे हो, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चीट डे हो जाता है फुल डे का चीट। अगर आप मान लो आपने 6 डे डाइट फॉलो किया, फुल डे चीट कर लिया, नेक्स्ट डे उस दिन कोई वर्कआउट नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी वेट एक जगह आके स्टक हो जाएगा, बिकॉज आपने जो लॉस किया ना वो भी अगेन से बाउंस बैक आ जाएगा। सो इस चीज़ को समझना जरूरी है, अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल में करना जरूरी है, अपने लेबल्स को अच्छे से पढ़ो। जो भी चीज़ें, चाहे आप एप्पल साइडर विनेगर भी लेके आ रहे हो या ग्रीन टी भी लेके आ रहे हो या फिर आप ब्राउन शुगर, जो भी शुगर या भी यूज कर रहे हो, तो आपको पीछे का लेबल की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीजें आपके लिए हेल्दी हैं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। तो ये चीजों को अगर आप समझोगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत आसान है और अपना डाइट चार्ट आप लोग खुद भी डिजाइन कर सकते हो, फिर आपको किसी से डाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने किया था न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा वेट एक जगह पे आके स्टक हो गया, नो लॉस, फैट लॉस भी नहीं हो रहा, वेट लॉस भी नहीं हो रहा, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आप एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो कर रहे हो, आपने डिटॉक्स भी कर लिए, आपने सब कुछ कर लिया, बट फिर भी वेट एक जगह पे आके स्टक है, अच्छा खासा वर्कआउट कर रहे हो, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आपको किसी भी डाइटिशियन को ऐसे बोलना है या आपका वेट लॉस या खुद भी झड़ने पर हो, तो सबसे पहले जाके अपना B12 चेक करवाओ आप लोग। विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन, आयरन अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, तो ये चीज़ें आपको खुद को भी नॉलेज नहीं चाहिए। बॉन्स में दर्द है तो कई बार कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, नींद नहीं आ रही है, हॉर्मोन्स इंबैलेंस आते हैं, तो मैग्नीशियम अपनी डाइट में इंक्लूड करो, पोटाशियम अपनी डाइट में इंक्लूड करो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अगर आप एक वेट लॉस जर्नी पे हो। तो ये नॉलेज आपको कोई देगा नहीं, कि खुद को आपको सेल्फ नॉलेज होना चाहिए। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी डाइट में खूब सारी वेजिटेबल्स को, सबसे अच्छा गुड सोर्स है विटामिन्स एंड मिनरल्स का, अपनी डाइट में खूब सारी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करो। ओमेगा 3 आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत साथ देता है, मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी है, बायोटिन बहुत ज़रूरी है, विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। तो ओमेगा 3 में आप ओमेगा 3 का फिश ऑयल सप्लीमेंट भी ले सकते हो, वेजिटेरियन हो तो एल्गर ऑयल भी ले सकते हो, जो आपकी वेट लॉस जर्नी में, आपकी बैक पेन में, आपकी हेयर्स में, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर उसके सोर्सेस हम देखें तो फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, फिश बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा मेन जो है उसमें डेरी में भी काफ़ी हद तक पाया जाता है जो B12 है, और बट ये है जो मेन सोर्स वो हमें मिलता है B12, वो हमें सिर्फ नॉन वेज में मिलता है, और जो हमारे ओमेगा 3 है वो फिश ऑयल में या एल्गल ऑयल में मिलता है। तो इससे अच्छा आप इतनी चीज़ें नहीं खा सकते हो, तो अगर आपको लगता है तो आप उसको सप्लीमेंट फॉर्म में भी उसको ले सकते हो। उसके अलावा आप लोग जो हेल्दी फैट्स ले रहे हो जिसको आप प्रॉपर कट डाउन कर देते हो, वो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारा देसी घी, उसको डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए 3-4 घंटे का इंटरवल रखो और उसको अपने डाइट में कुछ ना कुछ इंक्लूड करते रहो। कॉफ़ी और टी को मील के साथ आपको नहीं लेना है, आप उसको 40 या 45 मिनट्स के बाद उसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो।
आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कौन सी चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, कौन सी चीज़ों का नहीं है, तो उसकी तरफ ही आपको फोकस करना है। अपने वेट लॉस जर्नी के लिए आपको अपने डाइजेशन हेल्थ को पर ज़्यादा वर्क करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं, हमारे जो बॉडी का जो हमने न्यूट्रिशन फूड उसको दिया है वो भी इजी से डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो वो एज इट इज़ कई बार हमारे बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ का आपको इंक्लूड, आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो हमारा वेट लॉस प्रोसेस जो है वो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होगा। तो आपके डाइजेशन को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। स्लो स्लोली स्लोली खाना च्यू करें और अपने आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखें। इन एडिक्वेट स्लीप मीन्स हमारी स्लीप पूरी नहीं है। हम लोग कई बार पूरा दिन फ़ोन देखते रहते हैं, रात को सोने से पहले फ़ोन देखते हुए पता भी नहीं लगता कि कब 12-1 बज जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी हंगर हार्मोन अच्छे से काम नहीं कर पाता, हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन हाई हो जाता है, मतलब हमारा स्ट्रेस हार्मोन, हमारी बॉडी को प्रॉपर अच्छे से स्लीप नहीं मिली, 7 से 8 घंटे वो नहीं सो पाई, तो उससे हमारे सारे हार्मोन्स हिलजुल जाते हैं और हमारी वेट लॉस जर्नी जो वो ख़राब हो जाती है, और हमारे हार्मोन्स हिलने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं जिससे आपकी बॉडी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। सो आपके बॉडी पार्ट्स को काम करने के लिए आपको 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नेक्स्ट टाइम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वेट लॉस जर्नी कर रहे होते हैं बट उनका वेट स्केल पे कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है और ना ही इंचेस लॉस होते हैं। इसका रीज़न यह है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। आपके मेटाबॉलिज्म को उसके क्या क्या रीज़न होते हैं, ओवर ईटिंग करना, ओवर एक्सरसाइज करने से भी, बट उतना न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं दे रहे हो जितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसके वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा। एक्टिविटी लेवल आपका 0 है, फुल डे आप सोचते हो 1 घंटा वर्कआउट तो मैंने कर लिया बट फुल डे आपका सिटिंग है, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा ही होगा। ज़रूरी नहीं है आपने 1 घंटे का वर्कआउट कर लिया बट फुल डे में आपको एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असेस में प्रोसेस फूड जो लोग लेते हैं, रिफाइंड चीज़ें लेते हैं, उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। फुल डे आपकी एनर्जी लो रहेगी, इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, बॉडी में पेन रहना, कुछ ना कुछ दर्द ही रहना, आपका स्ट्रेस लेवल, हमेशा आप स्ट्रेस में रहते हो, आपके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपके हॉर्मोन्स कैसे हैं। आपकी नींद पूरी नहीं है तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज वेट लॉस एंड फैट लॉस, दोनों में जमीन आसमान का फ़र्क है। कई बार ऐसा होता है, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ है, वेट आपका 5 kg लॉस हुआ है बट इंचेस बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, जैसे कि 10 to 12 kg लॉस हुआ हो। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत फ़र्क है। फैट लॉस अगर आप करोगे तो आपका बॉडी के मसल्स लॉस नहीं होंगे, आपका बॉडी वेट लॉस, आपका बॉडी वेट जाएगा थोड़ा बहुत, इंचेस बहुत अच्छे से लॉस हो गया, लेकिन आपका मसल वेट नहीं जाएगा, आपका बोन वेट नहीं जाएगा। मींस आपकी इंटरनल मसल स्ट्रोंग हो रहे हैं, आपके बोन स्ट्रोंग हो रही हैं अगर आप इंचेस लॉस करते हो इंस्टीड ऑफ वेट लॉस। कई बार ऐसा होता है हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कुछ वर्कआउट करते हैं, बॉडी के मसल्स गेन हो जाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट भी ले रहे हैं, तो बट हमारे वेट स्केल पे नंबर नहीं दिख रहा है, इंचेस बहुत अच्छे से लॉस हो रहे हैं, तो लोग इसी टेंशन पे, हम लोग भी बोलते थे मैम मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, बट दैट्स रॉन्ग। अगर आपके इंचेस लॉस हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इससे क्या अच्छी बात है कि आपके जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग हो रही है, आपके मसल्स, बिकॉज जो वेट होता है वो बहुत सारी चीज़ों से बना है, आपके बोन्स वेट से बना है, वाटर है आपकी बॉडी में, आपके बॉडी के मसल्स का वेट है, तो अलग अलग आपकी चीज़ों का वेट है। तो फैट लॉस की तरफ ज़्यादा फोकस करो इंस्टीड ऑफ वेट लॉस। वाटर रिटेंशन एक पॉइंट था, वाटर रिटेंशन के लिए आपको क्या करना है, हाइड्रेट रखना है। अगर आपके बॉडी में ब्लॉटिंग रहती है, बॉडी फूल जाती है, वाटर टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी में सोल्ट का इंटेक कम करना है, मैग्नीशियम अपनी डाइट में लें, पोटाशियम रिच फूड्स लें, अपने बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट दें, मीन्स एक पानी लें, एक गिलास भर के उसको ल्यूक वार्म करें, थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा आप सोल्ट इंक्लूड करें, तो उस पानी को सुबह खाली उठ के पियेंगे तो आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग्स हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो हमारी फुल बॉडी है वो हमारे हॉर्मोन से ही बनी है, ओके। सो हमें भूख लगना, हमें उसके बाद जैसे हम इरिटेट हो जाना, हमें गुस्सा आना, हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना, हमारी नींद पूरी ना होना, या हमारे हमें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाना, हमारे पीरियड्स रेगुलर ना होना, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके हॉर्मोन्स पे। तो हॉर्मोन्स जो है उसको अपने कंट्रोल में रखना, अगर आपकी बॉडी को आ जाता है, आपको आ जाता है, तो आप अपनी बॉडी को खुद से अच्छे से डील कर सकते हो, आपका वेट लॉस अच्छे से होगा, आपके बॉडी के एक एक पार्ट अच्छे से वर्क करेगा, आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी।
आपके दो हॉर्मोन्स होते हैं लेप्टिन एंड ग्रेलिन, जो आपके एक तो भूख को कंट्रोल करता है, एक आपके भूख हो रही है या नहीं हो रही है तो एक भूख को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन होते हैं, तो उस हॉर्मोन्स को सिर्फ और सिर्फ आप अपनी डाइट से ही कंट्रोल कर सकते हो। तो मेक श्योर आप लोग एक्सरसाइज भी उतनी ही करें जितनी आपकी बॉडी डिमांड करती है। वेट लॉस के चक्कर में असेस में एक्सरसाइज करना भी वो आपके लिए खराब हो सकता है। तो अपने सारे हॉर्मोन्स को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, बट सिर्फ एक गुड न्यूट्रिशन को वो देख के। स्ट्रेस लेवल जो होता है, स्ट्रेस का जो बेसिकली हॉर्मोन है वो है कॉर्टिसोल। अगर आपका बॉडी में कॉर्टिसोल हॉर्मोन मेंटेन नहीं है, आपको छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस हो जाता है, आपको गुस्सा आता है, तो इट्स मीन आपके बॉडी का वेट लॉस जो है वो नहीं होगा, वेट एक जगह पे आके स्टक हो जाता है। तो उसके लिए आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने कॉर्टिसोल हॉर्मोन को इस चीज़ को कंट्रोल में करना आना चाहिए। आपको मेडिटेशन लो, गुड न्यूट्रिशन लो, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करो। अगर आप अपने हॉर्मोन को कंट्रोल में नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपका वेट जो है वो एक जगह पे आके स्टक हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज हम लोग क्या करते हैं वेट लॉस करने में, पूरा कार्डियो 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 कार्डियो। वेट लॉस देखो, कार्डियो अगर आप करोगे तो आपका मसल्स लॉस भी होता है। कार्डियो एक जगह पे आके आपका वेट स्टक कर देगा। कार्डियो के साथ साथ आपको HIIT वर्कआउट करना ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट करना ज़रूरी है, मिक्स मैचिंग वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कार्डियो अकेले करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ी देर के लिए मिलेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, बट आपकी जो बॉडी फैट है वो आपकी टाइट नहीं होगी। ओके, तो उसमें आपका वेट आके स्टक हो जाता है। कई बार होता है ना कि हम सिर्फ वॉक 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 वॉक, 4 महीने में हमने मान लो 12 kg लॉस किया, तो वॉक ही कर रहे हैं, तो उसके बाद एक जगह पे आपका वेट स्टक हो जाता है। तो उस स्टक को दूर करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थोड़ा बहुत ब्रीथिंग पैटर्न एक्सरसाइज आपको करना बहुत जरूरी है, जिसको हम ओम विलोम कपालभाति बोलते हैं। उसके बाद आपको HIIT वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपनी रूटीन्स में आपको थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। उसके बाद अपनी वर्कआउट का टाइमिंग या थोड़ा सा उसको बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा कम करना चाहिए, तो थोड़े थोड़े चेंजेस आपको करने चाहिए। उतना ही वर्कआउट करना चाहिए जितनी आपके बॉडी आपको बोलती है करने के लिए। असेस में वर्कआउट भी आपके बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स कई बार हमें होती है लेकिन हमें नहीं पता होता है। कई बार थायराइड होता है, कई बार हमें डायबिटीज़ होती हैं, बीपी का इशू है, पीसीओडी है। पीसीओएस की वजह से भी आपका जो वेट लॉस है वो स्टक हो जाएगा। कई बार हमें इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है, ब्लॉटिंग होती है, अर्थराइटिस होती है, तो इसलिए हमारा वेट जो है वो वेट स्केल पे नहीं दिखता है, वो एकदम स्टक हो जाता है। बट मेन थिंग ये है कि अगर आपके इंचेस लॉस नहीं हो रहे हैं तो वो आपके लिए टेंशन की बात है। अगर आपका इंचेस लॉस हो रहा है अच्छे से, वेट धीरे धीरे भी जा रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। बेसिकली आपके बॉडी में मसल्स गेन हो रहे होंगे अगर आपका इंचेस लॉस हो रहा होगा, तो दैट्स परफेक्ट। अपनी बॉडी को आप लोग परफेक्ट मानो और बहुत अच्छे से, जो भी आपका वेट फैट लॉस करवा रहा है तो बहुत अच्छे से करवा रहा है, अगर आपके सिर्फ इंचेस लॉस हो रहे हैं तो। नेक्स्ट थिंग इज, ये हमारे 10 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इन सबको आप देखो, फिर उसका रीज़न देखो कि आप किस रीज़न की वजह से आपका जो है फैट लॉस या वेट लॉस नहीं हो रहा है, स्टक हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं, जैसे कि मैंने आज मैं अपनी वेट लॉस करने पर मैं सोच लूँ, चाहे मैं खुद डाइटिशियन हूँ, 1 मंथ में मुझे 8 kg लॉस करना है, नहीं वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे पता है मेरी बॉडी को नुकसान होगा। रियलिस्टिक गोल ये है कि मैंने सोचा हुआ है कि इस मंथ में मैं 3 to 5 या 3 to 4 kg के इन बिटवीन लॉस करूँगी और बाकी मुझे फैट रिडक्शन करना है। मुझे पता है इतना टारगेट मैं अचीव कर लूँगी और इससे मैं खुश होंगी। अब लोग हमारे पास भी आते हैं, 1 या 2 मंथ्स में 10 kg लॉस करवा दो। अगर आपकी बॉडी ही नहीं मानती है 10 kg लॉस करने के लिए, तो आप लोग कैसे कर लोगे? तो बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है। बॉडी के हर चीज़ को, पार्ट को, आपकी बॉडी आपको हर टाइप का सिग्नल देती है, ठीक है? तो अनरियलिस्टिक गोल भी आपकी जर्नी को ख़राब करते हैं। तो वैसा ही गोल बनाएं जिसको आप लोग अचीव कर सके, अपनी बॉडी फैट को लॉस करें और उतना ही लॉस करें कि इतना जितना आप अचीव कर सके। क्विक वेट लॉस करोगे, पिल्स लोगे या फिर सप्लीमेंट्स लोगे या फिर शेक्स लोगे, तो वो वेट लॉस जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए आपको तसल्ली ज़रूर देगा, जैसे उसके बाद वो आपको हमेशा के लिए आपके पास मेंटेन नहीं रहेगा। ऑब्वियसली 101% बाउंस बैक आएगा ही आएगा। सो ऐसा ही गोल बनाएं जिससे आप किसी और को ब्लेम करोगे, फिर उससे डाइटिशियन ली, मेरा उससे मैंने डाइट ली और मेरा वेट लॉस नहीं। उससे अच्छा है कि वैसा ही गोल अपने डाइटिशियन के पास आप लोग लेके जाओ जिसको आप लोग अचीव कर सको और जिससे आपको खुश भी हो सको। और कईयों की बॉडी ऐसे भी होते हैं, सिर्फ मंथ में 2 kg भी लॉस होता है तो आपको खुश होना चाहिए, कईयों की 5 kg भी होता है, बट हर किसी के लिए सेम डाइट नहीं होती है, बिकॉज सबकी बॉडी अलग अलग है, तो सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है।
एंड मेन थिंग ये है कि वेट स्केल पे हमारा नंबर नहीं दिख रहा है, बट हमारे इंचेस लॉस हो रहे हैं। वो क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज आपने आपने अपनी बॉडी को काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से उसको अच्छे से डील नहीं किया। असेस में आप बैठे रहे हो, असेस में आपका सीटिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा है, आपका जो वेट है एक जगह पे आके स्टक हो जाएगा। फुल डे आपकी सीटिंग हुई होगी, आप पिछले कई सालों से अपनी बॉडी को अच्छे से डील नहीं कर रहे हो, कई सालों से आपको पता ही नहीं आप चीज़ें क्या क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। कुछ कई सालों से आप अपनी शुगर इंटेक आपका बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है, पिज्जे बर्गर ये वो रिफाइंड फूड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपका वेट थोड़ी टाइम के लिए कई बार लॉस होता है और उसके बाद जाके आप एकदम स्टक हो जाती हो। और आप डाइट फॉलो करते करते चीट मील्स बहुत ज़्यादा लेते हो तो भी आपका वेट एक जगह पे आके स्टक हो जाता है। मैं हर किसी को बोलती हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी को ख़त्म करो, मेंटेनेंस में आपको जो लेना है आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपका कुछ खाने का मन है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको इसमें रेसिपीज में आपको हेल्दीस्ट ऑप्शन दे सकती हूँ। तो ये चीज़ को आपको बेसिकली समझना ज़रूरी होता है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट पर फोकस करोगे तो आपका वेट लॉस, आपका फैट लॉस बहुत अच्छे से होगा। बट बेसिकली फोकस करो कि आपके इंचेस लॉस बहुत अच्छे से। सो अभी मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ आपके, जो जो आपके क्वेश्चंस हैं। अगर आपको भी कुछ क्वेरीज हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। जो हमारा पैकेज चल रहा है स्पीड स्लिम, उसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन उसमें ओपन है। बहुत सारे लोग अपना वेट लॉस जर्नी उसमें स्टार्ट कर चुके हैं, बिकॉज अभी विंटर जल्दी ख़त्म हो जाएगा 2 और 3 मंथ्स में, और उसके बाद अपनी जर्नी आपको ऑब्वियसली समर में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है। तो अभी आप जर्नी शुरू करोगे तो समर में आप अच्छे खासे कपड़े भी पहन सकते हो, अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो। बाकी समर हो या विंटर हो या रेनी सीजन हो, अपनी बॉडी की फिटनेस को मेंटेन रखना आपको 365 डेज चाहिए। ओके, सो दीपिका जी का क्वेश्चन है, दी मुझे खाना खाते टाइम स्वीटिंग होती है कभी कभी। उसका रीज़न ये है कि आप खाने को मे भी अच्छे से च्यू नहीं कर रहे हो, अच्छे से आराम से माइंडफुल ईटिंग करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आता है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, अपने खाने की तरफ पूरा फोकस होना चाहिए उस पर। ना तो अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपकी ओवर ईटिंग होती है, ना ही अगर आप असेस में खाते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका खाना कब फिनिश हो जाता है। सो 10 to 15 मिनट्स अपने मील को दो, अच्छे से च्यू करो ताकि आपकी बॉडी को पता भी चले कि आप कोई न्यूट्रिशन ले रहे हो। अगर आप ऐसा लेते हो तो आपके बॉडी जो वो एक तो उसको न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिलती है और उसको डाइजेस्ट करने के भी टाइम फटाफट वो कर लेती है, उसको टाइम नहीं लगता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपनी फैमिली का, फिट रहिए, अच्छा खाना खाइए, बाय बाय, टेक केयर।